पिछली वीडियो में मैंने बताया था जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था फाउंड को ऐड करना, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बहुत मेहनत के साथ यहाँ पर मैंने इसको सर्च किया आपके लिए। इंग्लिश फाउंड को अगर आपको ऐड करना है तो वो भी तरीका बताने वाला हूँ, उर्दू फाउंड को ऐड करना है तो वो भी तरीका बताने वाला हूँ, सेम ही मेथड है। तो हम क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको सर्च करना है daefound.com। जब आप इसको लिखोगे तो यहाँ पर इसको लिखने के बाद आपने सर्च कर लेना है द फाउंड, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे फाउंड्स मिल जाते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे तो मोर यहाँ पर फाउंड्स आपके पास आते जाएंगे, जिसको आपने डाउनलोड करना है। सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपका वो वाला डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको उर्दू में फाउंड डाउनलोड करना है जो कि जमील नूर नस्तली फाउंड, जो हम अपने मोबाइल फोन में अक्सर पिक्सेल में यूज करते हैं, तो यहाँ पर आपको सर्चिंग करना होगा जमील नूर नस्तली फाउंड फॉर एंड्रॉइड। सिंपली यहाँ पर यही लिखना है तो वो वाली वेबसाइट आपके पास आएगी, लेकिन अगर अनदर लिखोगे तो आपके पास वो वाली वेबसाइट नहीं आएगी, सर्चिंग करने में बहुत ज़्यादा मसला दिखाई देगा। तो यहाँ पर उसको सर्च कर लेते हैं, जैसे सर्च करेंगे आपके पास यहाँ पर urdufound.com यहाँ पर वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों ये आपके पास वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारे फाउंड दिखाई दे रहे हैं जिनको आप उर्दू में डाउनलोड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर एक फाउंड को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने का तरीका यह है, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब दोबारा से ये वाली आपके पास वेबसाइट दोबारा से ओपन होगी। अब दोबारा से अपने डाउनलोड फाउंड पे क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन छोटा सा यहाँ पे नजर आ रहा होगा क्लिक हर का, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ये आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो चुका है। तो जो प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पर अब सॉल्व होने वाली है, यहाँ पर जरा ध्यान से देखना है कि किस तरीके से आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपने क्या करना है, आपकी जो मोबाइल फोन की मेमोरी होती है जिसको हम फाइल कहते हैं, फाइल मैनेजर कहते हैं, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपने अपनी मेमोरी के अंदर चले जाना है और यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट जो डाउनलोड किया था उसको यहाँ पर सर्च कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक ट्रिक लगानी है, जिस ट्रिक को लगाने के बाद आपका एक फाउंड तैयार हो जाएगा, अब आप उसको पिक्सेल में आसानी से ऐड कर पाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो हमने दो फाउंड्स को डाउनलोड किया वो यहाँ पर फ्रंट पे आपको नजर आ रहे हैं। पहले हमने इंग्लिश में डाउनलोड किया था, उसके बाद हमने पाक नस्तलीक रेगुलर फाउंड को डाउनलोड किया था। दोस्तों आपने क्या करना है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपने इसको रीनेम कर लेना है। रीनेम करने के बाद यहाँ पर जो आपके पास ZIP लिखा हुआ है यहाँ पर आपने लिखना है OTF लिखने के बाद आपने ओके कर देना है। तो दोस्तों सिर्फ आपने इसको ओके करना है, रीनेम करना है, तो आपका ये वाला फाउंड तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों इस मेथड को यूज करने के बाद ये वाला आपका फाइल में कन्वर्टेड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके ऊपर क्लिक करके रखना है और यहाँ पर आपने इसको मूव कर लेना है किसी ऐसे फोल्डर में जिसमें आपको ढूंढना बहुत ज्यादा ईजी हो जाए, आप अपनी मर्जी से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं किसी भी फोल्डर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, डाउनलोड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मूव हर पे क्लिक करता हूँ, तो वो वाला फाउंड यहाँ पर मेरा मूव हो जाएगा। अब मैं जाता हूँ अपने पिक्सेल लैब में और पिक्सेल लैब में आपने कुछ भी राइटिंग करने के बाद उस राइटिंग के ऊपर क्लिक करना है और राइटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपने आगे चले जाना है जहाँ पर आपको फाउंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दोस्तों क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको माई फाउंड का ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, एक तो आपको फाइल बन के दिखाई दे रही है और दूसरा आपको टेक्स्ट वाला यहाँ पर फोल्डर बन के दिखाई दे रहा है, आपने टेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है। टेक्स्ट वाले पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने पीछे चले जाना है अपने मोबाइल फोन की मेमोरी के अंदर, ऊपर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर अब हमने उसको डाउनलोड के अंदर रखा, तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद जहाँ पर आप देख सकते हो वो वाली आपकी फाइल में कन्वर्टेड हो गई आ चुकी है, आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर वो वाला फाउंड आपका ऐड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल मेथड था, बहुत ईजी मेथड था। इस वीडियो को अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं और आप इसको स्लो करके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है क्योंकि पंखा तो ऑलरेडी नहीं चल रहा होता है। तो आज के लिए मुझे ज़्यादा दीजिए, अल्लाह हाफिज़।